यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। वहीं साथियों, से यौन शोषण के मामले में रोहतक की सुनारिया जेल में सजायाफ्ता राम रहीम के लिए अच्छी खबर है। दरअसल 400 साधुओं को नपुंसक बनाए जाने के मामले में राम रहीम को राहत मिली है। सीबीआई की विशेष अदालत की ओर से रेगुलर बेल मिल गई है और सीबीआई की विशेष अदालत के जज जगदीप सिंह ने राम रहीम को रेगुलर बेल दिए जाने का फैसला सुनाया है और तो स्वाभाविक तौर पर राहत जरूर है राम रहीम के लिए। ये रिपोर्ट। साध्वी रेप केस मामले में रोहतक की सुनारिया जेल में सजा काट रहे राम रहीम के लिए अच्छी खबर है, लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं कि वो जेल से बाहर आ जाए। हाँ, इतना जरूर है कि इस केस में राम रहीम को राहत मिल गई है और वो मामला है 400 साधुओं को नपुंसक बनाने का, जिसका मुख्य आरोपी राम रहीम है। दरअसल राम रहीम पर 400 साधुओं को नपुंसक बनाने का आरोप है। ये मामला सीबीआई की विशेष अदालत में विचाराधीन है। विशेष सीबीआई अदालत के जज जगदीप सिंह की कोर्ट ने राम रहीम को रेगुलर बेल देने का फैसला सुनाया है। हालांकि आरोपी डॉक्टर पंकज गर्ग अभी जमानत पर हैं, जबकि डॉक्टर महिंदर इंसा को अब तक जमानत नहीं मिली है। दरअसल पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने सीबीआई को मामला दर्ज करने के आदेश दिए थे। दिसंबर 2014 में साधुओं को नपुंसक बनाए जाने के मामले में हाई कोर्ट ने जांच के आदेश दिए थे। हंसराज चौहान ने अपनी याचिका में राम रहीम पर आरोप लगाया था। याचिका में कहा गया था कि राम रहीम ने कुछ डॉक्टर्स के साथ मिलकर साधुओं को नपुंसक बनाया, साधुओं को ईश्वर से मिलाने और मोक्ष के नाम पर साधुओं को नपुंसक बनाया गया। अब इस मामले में कोर्ट ने राम रहीम को रेगुलर बेल देने का फैसला किया है, जो राम रहीम के लिए राहत भरी खबर तो जरूर है, लेकिन सुनारिया जेल में सजा काट रहे राम रहीम की मुश्किलें अब भी कम नहीं होने वाली, क्योंकि उसके खिलाफ पत्रकार रामचंद्र छत्रपति और रंजीत मर्डर का मामला लंबित है। स्पेशल डेस्क, खबरें अभी तक।